गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग दीपक, क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ साहब, वो मेरी छोटी बहन है ना, वो फुटबॉल खेलती है। अभी स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल आया है अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। साहब, उसका ना नेशनल कैंप में सिलेक्शन हो गया है। बस रजिस्ट्रेशन के 5,000 रुपये लगेंगे और बाकी आना जाना और नया किट के सामान का सारा खर्चा मिला के लगभग 20,000 रुपये लग जाएंगे। आप कुछ मदद कर देते तो साहब। दीपक देखो, मैंने तुम्हें अभी सैलरी दी है और मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाँ साहब, पर बच्ची ने बहुत मेहनत करी है साहब। दीपक तुम जाओ, मेरे को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। ठीक है, आप चलो। साहब बोलो, क्या काम है? साहब, मैंने आपको बताया था ना कि छोटी बहन का नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ है, तो बस उसी के लिए पैसे कौन हो चाहिए तुम? एक मामूली से पीएन, और तुम्हें अपनी बहन को नेशनल कैंप में भेजना है। दीपक, अपने पैर अपनी चादर के हिसाब से फैलाने चाहिए। साहब। मैं मानता हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसे सब कुछ दे पाऊँ, पर मैं चाहता हूँ कि बड़े होकर सर आपके जितनी होनहार और काबिल बने, तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं बार बार एक ही बात पे बहस नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुम दोबारा ये टॉपिक लेकर मेरे पास आए तो तुम इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। साहब तो नेशनल कैंप तो छोड़ो, स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाएगा उसका। साहब, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो यही पास के अस्पताल में भर्ती है। साहब मुझे बस थोड़े पैसों की ज़रूरत है, 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, बस साहब प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। अरे तुम जैसे स्कैमर्स ना बहुत देखे मैंने, अभी मुझसे पैसे मांग रहे हैं, फिर पता नहीं किन किन से मांगूंगा। दीपक गाड़ी में सामान रख दो। साहब साहब भैया भैया प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भैया, मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है, प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए भैया। भैया आप पहले तो अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो। आपको अपनी माँ के इलाज के लिए 5,000 रुपये ही चाहिए ना? हाँ भैया। ये लो भैया 5,000 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ही जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की। कोई बात नहीं भैया, आप अपनी माँ का ख्याल रखो। भैया आप एक काम करिए, आप ना इस कागज पे अपना नंबर लिख दीजिए, मेरे पास जब पैसा होगा मैं आपको लौटा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं भैया, आप अपनी माँ का ख्याल रखो। दीपक हाँ साहब, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना ऐसे लोग स्कैम्स करते हैं, और इसी वजह से तुम लोग गरीब हो। साहब हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो, पर अगर उसकी बात में 1% भी सच्चाई है तो मुझे उसकी मदद करना ठीक लगा साहब। पर तुमने तो 5,000 रुपये उसको दे दिए, तो फिर अब तुम्हारी बहन के नेशनल कैंप का क्या होगा? साहब मेरी बहन ना बहुत समझदार है, अगर मैं उसे बोलूँगा ना कि उसकी रजिस्ट्रेशन के पैसे मैंने किसी के इलाज के लिए दे दिए, तो वो समझ जाएगी साहब। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। दीपक हाँ साहब, आज तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी तुमने उस बंदे की हेल्प कर दी, और आज तुमने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। तुम टेंशन मत लो, अब से तुम्हारी बहन का जो भी स्पोर्ट्स का और पढ़ाई का खर्चा है वो सब मैं दूंगा। सच में साहब? और अपनी बहन को बोलो कि अब से मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करो। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलो, हे!